व्हाट्सअप गाइस, अगर आपका भी फ्री फायर लैग करता है, आपका जीबी होगा 1 GB रैम वाला या 2, 3, 4, 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में आपके लिए 3 ऐसे टिप्स लाया हूँ, 2 सेटिंग है और 1 टिप्स है, जिसको फॉलो करके आप यकीन मानिए आपका जो गेम प्ले लैग करता है आपके मोबाइल में वो फिक्स हो जाएगा। कुछ गलती करते हैं जो मोबाइल में सेटिंग नहीं कर पाते हैं दोस्तों, उसकी वजह से आपका जो गेम है बीच बीच में लैग करने लगता है और होता क्या है कि सामने वाला बंदा आपको आसानी से मार देता है और आप वहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जो लैग करता है जिसके मोबाइल में, वो जल्दी से मर जाता है और वो दोस्तों अच्छे तरह से खेल नहीं पाता है गेम प्ले को। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, 3 सेटिंग को आप अपने मोबाइल में कर लीजिए। शायद दोस्तों ये सेटिंग आपके मोबाइल में नहीं है, इसलिए दोस्तों आपका गेम लैग कर रहा है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और Instagram फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको सिस्टम का मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक डेवलपर का ऑप्शन है, डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, शायद आपके सेटिंग में पहले ही होगा। तो डेवलपर ऑप्शन को अपने मोबाइल में फाइंड कर लीजिए, ढूंढ लीजिए कहाँ पर है। तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, एक ऑप्शन आपको मिल जाता है गेम ड्राइवर का। तो यहाँ पर और नीचे चले जाते हैं, और नीचे आ जाते हैं और ये मिल गया दोस्तों, ये गेम ड्राइवर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आप जो भी गेम खेलते हैं जैसे कि फ्री फायर खेलते हैं या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते होंगे, तो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, फ्री फायर को। उसके बाद गेम ड्राइवर मोड को सेलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों ये मोड हो जाएगा गेम ड्राइवर में। अब जब आप इसको प्ले करेंगे तो जो रैम होता है और ये अच्छे से यूज करेगा खेलते वक्त, मतलब कि फ्री फायर जब खेलेंगे आपका जो रैम है अच्छे से वर्क करने लगेगा। अगला जो ट्रिक है दोस्तों, ये भी दोस्तों लगभग सेटिंग का है, ये सेटिंग सभी शायद मोबाइलों में आपको नहीं मिलेगा, शायद रेडमी या दोस्तों वन प्लस के मोबाइल में मिल जाएगा। अगर आपका 2 GB वाला मोबाइल है तो आपके मोबाइल में शायद मिल जाएंगे। और जिसका मोबाइल आसूस का है, तो देख लीजिए मैंने ये मैं यूज कर रहा हूँ आसूस का मोबाइल है, तो इसमें जो सेटिंग बताने वाला हूँ आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मुझे एक कॉर्नर में गेम का ऑप्शन मिल जाता है, गेम मोड। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं स्पीड अप, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो सिस्टम है और भी अच्छे से चलने लगेगा। सिस्टम का मतलब कि आपका जो मोबाइल है, तो ये गेम के लिए ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं स्पीड अप का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और नीचे देख सकते हैं सिस्टम ऑप्टिमाइज हो रहा है, मतलब कि और भी अच्छे से परफॉर्मेंस देने के लिए ये हमारा ऑप्शन मतलब कि दिया गया, ताकि दोस्तों अच्छे से गेम प्ले हो सके। और जो अगले टिप्स है दोस्तों, ये सभी लोग गलती करते हैं, बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर देते हैं अपने मोबाइल में और भूल जाते हैं उसे अनइंस्टॉल करना। ऐप्स जब आप डाउनलोड किए हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, जो आप ऐप्स यूज नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो सारे ऐप्स आपके मोबाइल में बहुत सारा रैम लेती रहती है और आपको पता नहीं चलता। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐप्स इस तरह रनिंग होते रहते हैं, आप इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप इसे हटा देंगे तो आपके जो बैकग्राउंड में ऐप चलता रहेगा वो रैम नहीं लेगा और आपका जो फ्री फायर है वही दोस्तों सिर्फ रैम लेगा और अच्छे से आपका जो फ्री फायर है वो चला के देगा। और ये गलती अगर आप करते होंगे, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स है, उसे तुरंत आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। बस दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।